सिद्धू मूसेवाला, ये नाम जदों भी आता हमेशा यह होंगे कि कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी जरूर छिड़ूगी, चाहे आप कह लिए कि लोग उन्हों तो सड़ते हैं तो कॉन्ट्रोवर्सियां होंदिया ने, या आप कह लिए भी वह जान के कॉन्ट्रोवर्सियां करते हैं। एक जेडे फैनस है ये उन्होंने हमेशा लड़ाई चलती रहती ने कि सिद्धू मूसेवाले की ही क्यों इन्नी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सियां होंगे, तो एक पक्ष कहता कि भाई वो मशहूर है ना वो कॉन्ट्रोवर्सियां होंगे भी सारे वो पंगा लेंदे हैं आप उपर होने, दूजा पक्ष ये कहें कि सिद्धू जान के कॉन्ट्रोवर्सियां करता उपर जाने, इस बारे असी कुछ नहीं कह रहे कि सिद्धू नाल ही ये चीज़ा क्यों होंदिया ने, या सिद्धू जान के करते हैं या जिमें होंगे कि हो रहा वो कुछ नहीं कर सकते, जो भी होंगे हो ही जा रहा, पर यह सिद्धू बहुत बेबाक होकर जो भी उन्होंने होंगे वो अपने गाने के राही बयान करते हैं। हूँ एक कॉन्ट्रोवर्सी नवी छिड़ गई है जो वोटों तो हारे, वोटों के हारन तो बाद काफ़ी लोगों ने उन्हों का मजाक उड़ाया, ईवन कि पंजाबी इंडस्ट्री ने भी उन्हों का काफ़ी ऐसे सिंगर है जिन्होंने उन्हों का मजाक उड़ाया, बहुत चीज़ा लिखिया, कई ने तो उन्होंने फोटो पा के RIP भी लिख दिता, जो कि मैंने लगता कि सही नहीं है। जे किसी ने चलो अपना स्टैंड लिया, उन्होंने की है कोशिश वोटों से खड़न की, चाहे हार जित बनी रहती है, हार तो जित दो ही चीज़ा हो सकती है, आप चाहे एक छोटी जी गेम ला लीए उस भी दो ही चीज़ा पॉसिबल है, एक दी हार होगी एक दी जित होगी। इस बार सिद्धू मूसेवाले नूं हार का सामना करना पिया, स्केप गोट गाना हुण उन्होंने हाल ही रिलीज़ किया, उस से भी बड़े मिक्स बयान आ रहे हैं सारे दे, कई कह रहे हैं बहुत चंगा गाना, कई कह रहे हैं जी पहले यह लीडर के मगर पिया जी, भी लीडर ने इतने हकदार गोली दे, हूँ जो लीडर आप बन गया हूँ लोगों के मगर पै गया, भी लोग दोगले ने लोग गद्दार ने, यह गाना रिलीज़ होया। उस तो बाद जिहड़े सिंगर ते तवा लाया गया अंदर, जिहड़े सिंगर ने पोस्टा पाईया से जिन्हां ने RIP लिखिया सीगा, उस से सिद्धू ने फिर अपनी पड़ास गाने राही जिवें उह करदे हुंदे उवें उन्होंने दो लाइना गातियां। हुण जिहड़े सिंगर से बहुत ज़्यादा पक गए, एक ने उन्हां चों मनप्रीत मन्ना, मनप्रीत मन्ना ने RIP लिख के सिद्धू की फोटो पाई सी जदों सिद्धू वोटों चो हार गए सी, फिर सिद्धू ने यह लाइना गाइया बिच अपने गाने उन्होंने स्क्रीनशॉट पाता, हालांकि ब्लर करके पाया सीगा, उन्होंने कहा भी भाई मैं तो दम किया खड़े होने का, थोड़े च इन्ना दम है तुम खड़ जाओ, किसी को कोई गाल नहीं कढ़ी, किसी को कुछ नहीं किया, अपने तरीके जिवें एक बीफ के तरीके हमेशा जवाब देंगे ने, पर उस तो बाद ज़्यादा ही मनप्रीत मन्ना लगता गुस्सा आ गया। मनप्रीत मन्ना अपने इंस्टाग्राम से आई, उन्होंने चंगी पड़ास कढ़ी सिद्धू मूसेवाले लई, ईवन कि एक दो गाला भी लिखिया सिद्धू मूसेवाले लई। आओ मैं दसदा तुहानू की स्टोरी दे विच लिखिया मनप्रीत मन्ना ने, उन्होंने लिखिया ये बंदा कदे हसूगा भी, जदों देखो रोई हो जाता है बस न्याणिया वांगू, चुंगनी लैके आऊँ कैनेडा तो चुंग लिया करी की पता रोनों हट जावे, किली हो जाता बस कोई गाना घर बह जाए कोई सुन लवे, कोई इदा का नहीं है जिन्हों चाचे अपने दे गाने गा के शुरुआत तो की सी, नैक्सट पोस्ट च तैनूं याद करा दिना, असी हसते रहने तो रवाई जाने, तू मेरे सालिया रोई जाना रोंदा ही रहना, टहने ने तेरा किन्ना इंजन किया तू फेर नहीं फील किया, मन्ना एंड च उन्हें अपना नाम लिखा। उस तो अगली पोस्ट उन्हें लिखा चलो छड्डो हुण पतंदरों, इनू तो हर तीजे दिन बेइज्जती कराने की आदत है, इनू समझ पता नहीं क्यों नहीं लगती भी जिन्ने तेरे नाल रहे सीगे हुण तक उन्हां चों हुण तेरे नाल कोई भी है नहीं, पैसे नू की करेगा जदों इज्जत ही है नहीं, जवानी मत्थे ते त्यूड़ियां पा के कट रहा है, कोई फायदा नहीं जे सुकून नाल लाइफ अपनी चंगी नहीं बिताई, बंदे की सलाह लै किसी वधिया डॉक्टर नू मिल, एवें कट्टे वांगू किली जांदा तेरे ते ज़्यादा समा खराब करा, कोई एड्डी अकल वाली गल नहीं, वाहेगुरु तेनू समरत बख्शे, माँ बाप की सेवा कर इन्हों को माफरा, एवें हमेशा ही जाता तीर लै बहना हर वारी चंगा नहीं हुंदा, सो मैं हूँ सो जी, वह कहें भी हूँ सो जी, चज नाल एवें मेरिया पोस्टा देखी जाना तू इन्ना वेला तू। उस तो बाद अगली पोस्ट कल्ला ही काफ़ी है मैं जिन्हें मर्जी पेज बना लो, मुन के सुट दित्तियां भेड़ा कहना चाहते मुन के दित्तियां हुण तुहानूं समझ नहीं आउंदा किधर जाइए, तुसीं वेट करते रहने हो मेरे रिप्लाई का, मनप्रीत मन्ना कह रहे हैं भी मेरे रिप्लाई का तुसीं वेट कर रहे हो, मेरे रिप्लाई का भी फुफड़ हुण की कहूँ, लास्ट रिप्लाई वो है, वह कहते भी ये मेरा लास्ट रिप्लाई है, असीं तां बिजी हाँ जिंदगी च, सकून नाल असीं रोटी पानी खाने हैं, रोटी पानी बनावांगे हुण भी आपां सो जाएंगे, तू कोई बरसीन चल लै, उन्हें सिद्धू ले लिखा भी तू बरसीन चल लै, नहीं चरी होनी वो भी हुण मैं पूंड सिट जाऊँ आके, पता नहीं की लिखे उन्होंने, घर दे काम कर लो चार मैसा रख लो, उन्हें लिखा घर दे काम कर लो चार मैसा रख लो, थोनू दुध पिलाउणगियां नलियां संभदियां नहीं हो, अगों
ਬਣਾਉਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪਰਾਉਣੇ ਨੇ ਵੀ ਰੇਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਰਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਰੇਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਖਜਾਲਾ ਨੇ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖਜਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਰਾਉਣੇ ਨੇ ਵੀ ਰੇਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਸ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਹੜਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ, ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੇ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ। ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ।